वहां मैं क्या करता हूँ, मैं अपना टिफिन लेके जाता हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आप कभी शाहरुख से मिलेंगे तो आप उनसे पूछिएगा और वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे। वो उनके घर पे वो आए थे, टिम कुक है उनका नाम, मुझे ठीक से याद नहीं रहता है, एप्पल के है ना? Yes. हाँ, तो वो आए थे उनके घर पे, उनके टीम से और भी 4-5 लोग अमेरिका से आए थे और शाहरुख साहब ने हमारे हम लोगों को बुलाया था खाने पे। तो पार्टी थी, हम लोग आए थे, तो गौरी ने कहा आप खाना खा के जाइएगा। मैं बोला हाँ, मैं खाना खा के जाऊँगा। तो शीशे खाना लग गया, ऐसे नहीं वो मेरा टिफिन साथ में लाया हूँ मैं। अरे यार तुम हमारे घर पे आके खा, ऐसे नहीं, वो आप कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं अपना डाइट फॉलो कर रहा हूँ। ये दंगल के टाइम पे था, दिस वॉज ड्यूरिंग दंगल। ऐसे यार मेरी फिल्म के लिए आई हैव टू लूज द वेट, मैं अपना टिफिन लाया हूँ, मैं टिफिन खाऊंगा। तो खैर फाइनली आई सेड कि यार, आई टोल्ड आमोस, मेरा जो लड़का है उसको बोला यार मेरा खाना ले आ। तो वो थाली लाया और थाली में वो राइस था और सब्जी थी और दाल था, ये था वो था। तो मैंने वो सब अपने थाली में जमाया और मैंने खाना शुरू किया। अब लोगों को क्या लगता है नॉर्मली कि आदमी डाइट पे तो बहुत कम खाना होगा उसका, तो उनके माइंड में भी ये था, टिम कुक और शाहरुख, उन लोगों को लगा था ये बेचारा डाइट का खाना खाएगा। उन्होंने जब देखा मेरी थाली ऐसे भरी हुई थी, इतना खाना था मेरी थाली पे, तो वो ऐसे देख रहे थे मेरे को। अच्छा मैं खा रहा था, फिर मैंने ऊपर देखा, मैं बोला सब मतलब 15-20 लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं क्या हुआ, बोला ये तेरा डाइट है कि क्या है, तू इसमें वेट लॉस कर रहा है या वेट गेन कर रहा है? मैं बोला नहीं नहीं मैं वेट लॉस कर रहा हूँ। दे कुडंट बिलीव इट डॉक्टर, बिकॉज द क्वांटिटी वाज यू नो ऑब्वियसली अ गुड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एंड दे कुड नॉट बिलीव दैट आई एम हैविंग दैट एंड आई एम मतलब मैं वेट लॉस कर रहा हूँ। लेकिन मैं अपना टिफिन लेके जाता हूँ क्योंकि वो क्या है, इसमें हम लोग को शर्म नहीं करनी चाहिए, अपना काम है, अपने को कम करना है वेट, अपना टिफिन लेके जाना चाहिए, क्योंकि वरना तो फिर पॉसिबल नहीं, यहाँ जाना है वहां जाना है, ये यू नो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। मैं टिफिन लेके जाता हूँ। Say to that, Dr. Dhurandhar, because that's something again you've mentioned in your book. This is the ultimate. In the yeah, once I remember he asked me, how will you manage? I said, Doc, I'll take my tiffin. So he was very surprised. Oh, won't they mind? I said, no, they will mind. But it's better that I lose weight. Yeah, this is the ultimate. There is nothing beyond this in terms of discipline. My answer was exactly the same. No, seriously. So like doctor was saying, the first day, because he, in his diet, he will tell you how many grams of wheat flour. So wo aap, you know, aata loge, usko aap usme pani daloge, usko gundoge. वो प्रोसेस आप फर्स्ट डे करो, 50 ग्राम्स ऑफ राइस, यू नो 300 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल दैट एक्चुअली मेजर इट ऑन द फर्स्ट डे एंड कुक इट, एंड आफ्टर कुकिंग इट पुट इट इन मेजरिंग बोल्स, यू नो वट एवर योर हाउस इज गॉट डिफरेंट साइजेस ऑफ बोल्स, यू विल कम टू नो कि राइस ये बोल में आता है, सब्जी इस बोल में आ जाती है। तो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू यूज योर बोल्स टू मेजर, बिकॉज यू कुक फॉर एवरी वन, यू वॉन्ट मेजर अगेन एंड अगेन, then अंदाजे से करना पड़ेगा। सो यू मे नॉट बी 100% एग्जैक्ट, बट यू विल बी 98%, विच इज गुड इनफ। सो आई हैव टू डू दैट समटाइम्स, बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल, यू नो आई नॉर्मली कैरी माई फूड, बट सपोज आई एम गोइंग समवेयर, आई हैव सेंट द कार बाय मिस्टेक, आई फॉरगॉट, उसमें चला गया टिफिन, गाड़ी में चला गया, सपोज नाउ आई एम देयर, द फूड इज इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई नो बाय नाउ, आई नो 50 ग्राम्स ऑफ राइस इज रफली दिस मच, सो आई टेक दैट मच अंदाजे से। थिंक वन डे एट अ टाइम, tell yourself that today I will not break my diet, just today, don't think of 5 months, today I will keep my diet, today I will stick to what I'm supposed to do. Don't look up, because if you look up you say arey bahut dur hai, upar nahi dekhne ka, niche dekhne ka, head down, so one step at a time, one step at a time, and then when you do that continuously for 3-4 months, then when you look up you feel arey yaar itna dur nahi hai, kafi apan nazdeek aa gaye, तो फिर थोड़ा एक्साइटमेंट आता है कि अरे इट्स हैपनिंग। सो डोंट कंपेयर द डिस्टेंस एवरी डे, यू विल फील डिसहार्टेंड, एटलीस्ट इन माय केस, बिकॉज़ द डिस्टेंस वाज सो फार, दैट वाज वन। सेकंड इज आई हैड सम टैक्टिक्स। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट एज वी ऑल नो, वर्कआउट इज इंपॉर्टेंट, बट
much more important than that is the diet you follow, the nutrition you follow. Much more important than that. I can lose weight without doing an inch of workout. Not a single day I need to work out, but just by following a healthy, balanced diet, I will be able to lose the fat. So, for me, the diet, following the diet was more important than the training actually. And in that, I had some tactics. Now, what happens is that when you are following the diet, on a particular day, you feel weak. I have a lot of meetings at home. I'm sitting at home and someone has come to meet me. Obviously, my guests are served with, you know, food. Snacks, food, sandwiches, samosas, wafers, all the very things I'm not supposed to eat is put in front of them. तो कभी कभी मुझे लगता है यार एक समोसा तो मार ही लेते हैं यार मारा ही था हाँ तो सो नो दैट केम लेटर दैट केम लेटर सो माय फर्स्ट टैक्टिक इज दैट व्हेन आई एम टेम्प्टेड टेल योरसेल्फ इफ यू आर टेम्प्टेड टू हैव दैट आइसक्रीम और दैट केक और दैट समोसा टेल योरसेल्फ या नो प्रॉब्लम आमिर यू गोइंग टू हैव इट जस्ट गिव इट 5 मिनट्स अभी मत खा 5 मिनट के बाद खा ले जस्ट डिलेड बाय 5 मिनट्स यू विल बी सरप्राइज इन दैट 5 मिनट्स आपका बैलेंस संतुलन वापस आ जाता है पुनः अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया यार 5 मिनट में मेरे को अकल ठिकाने आ गई मेरी जस्ट बाय डिलेइंग बाय 5 मिनट्स इट मेक्स अ बिग डिफरेंस सडनली यू रियलाइज कि यू नो व्हाट एक्चुअली आई एम ओके विदाउट इट इतना टेंशन नहीं हो रहा है सो मोस्ट डेज दैट वर्क्स ऑन सम डेज दैट फेल्स इवन आफ्टर 5 मिनट्स यू लाइक यार 5 मिनट हो गए अब तो मेरे को लेना ही पड़ेगा सो देन आई हैव अ सेकंड टैक्टिक If the first step doesn't work, I tell myself, okay, I will have the samosa, but after a glass of water. तो फटाक से एक दो ग्लास पानी पी लेने का तो जब पानी जाता है ना पेट में तो लगता है कि भर गया यार पेट अभी खाने का इतना मन नहीं कर रहा है तो वॉटर इज अ गुड एस्टिंग्विशर ऑफ द डिजायर टू सडनली ईट समथिंग सो दैट इज अ सेकेंड हाँ सेकेंड टैक्टिक ऑफ माइन देन इफ दैट ऑल्सो डजेंट वर्क ना एंड यू फील कि नहीं यार आई हैव टू हैव And there are times when you end up breaking your diet. Now, there are ways and means of breaking your diet. Suppose there are 2 ways and means of breaking your diet. I'm very hungry. Whatever portions doctor has given me, they are over. It's now 12 o'clock at night. I'm reading a book or I'm watching a film and it's going to go on for another 1 hour. I'm very hungry. I need to eat something. I'm very hungry. Now, at that time, I'm going to be breaking my diet. Maybe samajh gaya hu, 5 minute nikal gaya hai, pani do glass pee liya hai. सब कुछ हुआ नहीं फायदा अभी मेरे को खाना पड़ेगा कुछ तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग एन आइसक्रीम और अ चॉकलेट और समथिंग विच इज यू नो शुगर एंड डीप फ्राइड एंड यू नो आप 4 egg white omelet विथ 1 toast तो आपका पेट भी भर जाता है और इतना कैलोरी अंदर नहीं जाता सो ईट समथिंग सेंसिबल एट दैट टाइम इफ यू रियली हैव टू ब्रेक योर डाइट ईट समथिंग सेंसिबल हैव अ फ्रूट यू नो ईट समथिंग सेंसिबल And if you're tempted for something nonsensible, कि यार मेरे सामने जो आइसक्रीम पड़ी है वो मुझे खाना है और अब सब टैक्टिक्स हो गया और मुझे खाना ही पड़ेगा तो फिर क्वांटिटी कम्स इन प्ले जस्ट ईट 1 spoon तो क्या मेंटली आपने खा भी लिया आपको उसका टेस्ट भी मिल गया और आपने बड़ा डैमेज नहीं किया कि पूरा टब खाली आइसक्रीम का मतलब यहां का वहां हो गया हाँ सब दही हो गया सब So these are the things I used to follow. But despite that, in the middle, I have to confess, I don't know what date that was, doctor, but in the middle, I realized that I'm breaking my diet. So somewhere in the middle, I had lost a lot of weight, but I was halfway there. I was not fully there. Suddenly, I realized that 1 week has not gone well. 2nd week has not gone well. Achha, one very important thing, you have to measure yourself once a week. That is very important. Every Sunday I measure myself because that tells me, are you on track or not? Has this week gone well or not? How much is the weight loss? How much is the measurement loss? And how much is the fat loss based on caliper? I go by the caliper method. So, pata chalta hai ki main sahi raaste pe ja raha hu, nahi ja raha hu. Kuch gadbad ho rahi hai. I need to report to doctor. Every week I send him the measurement. So, he comes to know if he wants to alter the diet, he can tell me something. But if I don't measure myself, I won't know where I'm headed. Is there progress? Is there not progress? Right. So measuring yourself every week is very important. So I realized in my measurements also and in my habits also that
I'm messing up. I'm getting tempted. I'm breaking my diet. I'm not able to, with all my efforts, I'm struggling. And it happens to all of us. I'm struggling. It's not happening. So after 2 weeks, I called up doctor and I said, doctor, lafda ho gaya yaar. हो नहीं रहा है यार, मैं यहां तक तो पहुंच गया हूं लेकिन अब पता नहीं क्यों मैं फिसल रहा हूं. मैं सोचता हूं हर दिन के मैं करूंगा लेकिन मैं फिसल रहा हूं. तो व्हाट शुड आई डू? ही सेड, व्हाट डू यू वांट मी टू डू? आई सेड, अलाउ मी टू टेक्स्ट यू एवरी 2 hours. एवरी 2 hours आई विल सेंड यू अ व्हाट्सएप एंड टेल यू दैट दिस इज व्हाट आई हैव ईटन. दो यू आर इन द US एंड यू विल बी स्लीपिंग व्हेन आई एम टेक्स्टिंग यू बिकॉज इट्स डे टाइम फॉर मी. But at least when you wake up, you will read 8-10 texts of mine saying, in the day, I ate this at 9 o'clock, at 11 o'clock I ate this, at 1 o'clock I ate this, at 3 o'clock I ate this. And the way I do it is that I text doctor saying that it's 8 o'clock in the morning, I've had my breakfast, and I ate this, exactly what you told me. And my next meal is at 10. That also I inform him. My next meal is at 10 and it will be this. Yeah, when you eat your meal, immediately after that, you should spend 30 seconds thinking कि अगला meal कितने बजे? इतने बजे. अच्छा, क्या खाऊंगा मैं? ये और ये खाऊंगा. Okay, done. तो आपका mind clear हो जाता है कि भैया इतने बजे मुझे ये तीन चीज खानी है. 50 ग्राम ये, 10 ग्राम ये. तो you know your chances of you slipping become less because you know what you're eating and when you're eating. Don't leave it because after 2 hours you'll be hungry that time. वो time पे जो सामने आएगा आप खा लोगे. तो सोचो, थोड़ा प्लानिंग करोगे अगले 2 घंटे के बाद में. सो आई स्टार्टेड टेक्स्टिंग डॉक्टर, इफ यू रिमेंबर, दैट दिस इज व्हाट आई एम ईटिंग एंड ऑल दैट. सो दैट रिपोर्टिंग टू हिम ब्रॉट मी बैक ऑन ट्रैक बिकॉज आई हैव रियलाइज दैट ही विल बी रीडिंग द टेक्स्ट. मेरे को नाक नहीं कटानी है डॉक्टर के साथ. तो थोड़ा प्रेशर आया, देन स्लोली, देन आफ्टर दैट, देन आई गॉट बैक इनटू ट्रैक एंड देन इट वॉज स्मूथ सेलिंग आफ्टर दैट. So on that note, I remember that you also mentioned that he suddenly expressed the desire of wanting to go vegan. How did you recalibrate? Actually, that was in the beginning only. Yeah. I'm assuming, yeah, because vegan is not an easy diet to follow considering